पर ये कहानी अगर मेलचोरी गैरसैंण चकोटिया कहीं भी होती ना तो अब तक वहाँ 10 रिपोर्टें लिखी जानी थी। यहाँ लाइट नहीं है, क्या कारण है भाई, क्यों नहीं आ रही लाइट, क्या कर रहे हैं गाँव का प्रधान, क्या कर रहे हैं वह एंकर, लाइट आ रहे कहाँ गए, कहाँ मर गए। और हमारे यहाँ हो रहा ना तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा सिर्फ मेरे अलावा। अगर मेरे सपोर्ट अगर 2-4 बंदे और देते ना तो एंकर हो जाते हैं अभी हमारा खड़ा। और वो एमरजेंसी लाइट लगा रखी है, वो ऊपर लगा रखी है, वो उसका क्या काम है वहाँ रोड में दिखाने के लिए वो। अरे हमारा भी कुछ करो यार, हमारे गांव में यहाँ इतनी समस्या आ रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। और ये देखो इस काम के बाद हमारे गांव में कोई काम ही नहीं आया, अगर आए तो बताओ करो मेरे पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंडी ब्लॉगर, मेरा नाम है रोशन और आप देख सकते हैं हमारे गाँव में लाइट नहीं है। यहाँ की क्या बोलते हैं उसको, यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है दोस्तों। यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ थोड़ा सा बारिश आ जाती है तो यहाँ लाइट ही नहीं आती है दोस्तों। आप देख सकते हैं सारे गाँव वाले अंधेरे ही अपने घरों में बसेरा कर रहे हैं, और आप उधर भी देख सकते हैं उधर। तो अभी दिखाते हैं आपको घर की हालत, घर में अंधेरा ही है दोस्तों, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ का प्रधान अधान सब कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या बोल सकते हैं हम, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। इस वीडियो को इतना वायरल करो कि यहाँ लाइट आ जानी चाहिए। और दोस्तों यहाँ हमेशा ऐसे होता, देखो थोड़ी सी बारिश आई और लाइट चली गई है, और हालत भी देख सकते हैं कैसे हो रखी है। मेरा फ़ोन भी कम चार्ज है, ये वीडियो आप तक पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती है इसकी भी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। और यहां भी देखो, ये देखो पूरे बल्ब बंद हो रखे हैं, आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है पूरी। देखो उधर उधर थोड़ा लाइट है, और इधर इधर की साइड पूरा लाइट है दोस्तों, और इधर भी पूरी लाइट है, और हमारे गाँव में नहीं है ये। हमारे गाँव के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है दोस्तों, ये आपको बताना पड़ेगा, हमको इंसाफ चाहिए दोस्तों। हमारे दुकान के वाले घर में भी यहाँ लाइट है पूरी, इधर ही नहीं है, ये गांव है कि ये भयंकर क्या है ये, मैं समझ नहीं आ रहा। अभी देखो हमारे गांव हमारे घर में देखो दोस्तों, यहाँ ऐसे ही रोटी बन रही है, सॉरी दोस्तों हमने बना रखा है, जंगली मुर्गा मार रखा है। ए बाबा जाए, देखो ये देखो आपके भाई ने चिकन बना रखा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है इसमें। और यहाँ सीमा, यहाँ मेरी मम्मी, और यहाँ रोटी बन रही है दोस्तों ऐसा ही। लाइक करो इसको, सब्सक्राइब करो इसको। चुप। और गाइस यहाँ देखो ये लाइट आ नहीं रही, ये लाइट का मकसद है क्या, मुझे लाइट की वो चाहिए, क्या बोलते हैं इंसाफ चाहिए हमको। हमारे गांव वालों के साथ हमेशा अन्याय होता है क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं रहता है, थोड़ा बारिश आती है, बस बारिश आई बादल गरजे लाइट गायब, और भी एक एक दिन नहीं, कभी कभी तो भयंकर महीने तक लाइट ही नहीं रहती है, वहाँ से पत्थर मार के निकालना पड़ता है, तो पता नहीं कब होगा सही, मेरे को कुछ पता नहीं है। और गाँव में काम भी नहीं आ रहा है, यहाँ गाँव में कुछ काम है, कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, कैसे हम अपना घर चलाएंगे, बेरोजगार हैं भयंकर, अब स्कूल भी छूट गया है, तो इसीलिए तो हम बाहर जाते हैं बर्तन मांजने के लिए। अगर हमारे यहाँ काम होता तो हम बर्तन मांजने के लिए आते हैं बाहर, क्या आप ही बोलो गाइस। और अभी हमारे घर में लाइट नहीं है, और अभी आपको अपनी दादी से मिलाते हैं, दादी इतनी बूढ़ी हम कैसे अपने गुजारा कर रही होगी, डर नहीं लग रहा होगा ये देखो हमारे दो कुत्ते भी यहाँ पर डर के हमारे ऐसे बैठ रखे हैं, जब इनको भाग ले जाएगा इनकी जिम्मेवारी कौन रखेगा। अब देखो अपनी दादी से मिलाता हूँ, दादी बांस पड़ी बता ना कुल। अरे अगर मैं घोर पट कर। हाँ शु फोन क्या है तो फोन है कि कसमान मीन ना उसी का फोन है कि मीन और फोन है। अच्छा दादी हाँ तब जाए या फोन है। ये देखो मेरी दादी लेट रखी है, अब बुड्ढे आदमी को कितनी तकलीफ होगी, अगर गिर गए तो कौन कौन रहेगा इसके जिम्मेवार, अगर गिर गए मेरी दादी। हाँ दादी पैदल दो नाता था फोन भी होना है, दो नाता था फोन दो निकाल चुका ना। ओ और दोस्तों अगर दादी अगर रात को कहीं पेशा पेशा भी जाएगी, अगर गिर गई तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। लाइट आनी चाहिए हमारे गांव में, वो अमरजेंसी लाइट दे रखी है, वो ऐसे जगह दे रखी है हमारे गांव में, अमर प्रधान साहब ने लाइट अमरजेंसी, वो चोर ले गए उसको चोर करके, ये ऊपर हमारे गांव वाला एक लाइट अमरजेंसी वो दे रखी है, पता नहीं ओ भयंकर कुत्ते ने फेंक दिया थे बामड़ा रोड। और वो अमरजेंसी लाइट यहाँ ऊपर दे रखी है, वो क्या बोलते हैं उसको, देखो दोस्तों अभी मैं गिर गया था यहाँ, वो अमरजेंसी लाइट एक यहाँ दे रखी है, वो पता नहीं किसने हिला हिला के ख़राब कर दिया है। अमरजेंसी लाइट हमारे गाँव में आपको मिलेगी नहीं, मतलब कि सही एक ही लगा रखी है, और एक वो उधर लगा रखी है, क्या बोलते हैं वो बनियाने के नीचे वो स्कूल के ऊपर, उसको पता नहीं कौन चोर लेके गया है, उससे अच्छे एमरजेंसी लाइट यहाँ पर दे देते, एक एक घर में दे देते, चार गांव हमारे घर में कुल है, नहीं सॉरी हमारे गांव में चार घर कुल हैं, उनमें दे देते, कैसे करा रहे हैं हम अपने गुजारे। मम्मी लाइट नहीं आ रही है, देखो क्या करे इतनी दिक्कतें हो रही है यहाँ हमारे घर में, हम दादी है भयंकर, दादी की टेंशन कौन, दादी गिर गई और कहीं चोट वोट लग गई तो बुढ़े आदमी कितने, वैसे बुढ़े आदमी को वैसे अगर दादी गिर गई तो क्या होगा, बुढ़े आदमी चल भी नहीं पाते हैं, हम तो जोरा बहुत चल भी लेंगे, अभी मैं भी गिर गए थे यहाँ वो कुत्ते के चक्कर में, पता नहीं क्या ड्रामा है यार। देखो उधर के घर वाले भी अंधेरे में हैं,
यहाँ पर सीतू, सीतू ये देखो सीतू भी अंधेरे में है, पूरा लाइट नहीं आ रही, भी लाइट नहीं है इस घर में, भी लाइट नहीं है और ऊपर वाले घर में भी लाइट नहीं है, और ना हमारे गांव में काम आ रहा है और वो इमरजेंसी लाइट लगा रखी है, वो ऊपर लगा रखी है, वो उसका क्या काम है वहाँ रोड में दिखाने के लिए, वो नीचे लगाने से वो, ये देखो ये कोई उधर गिर गया है, अभी उधर कोई गिर गया है, आवाज़ आ रही है उधर से। अरे हमारा भी कुछ करो यार, हमारे गाँव में यहाँ इतनी समस्या आ रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है, वहाँ धर्मशाला में लगा रखा है एक लाइट भयंकर, जो कुछ काम ही नहीं करता, उसको चोर लेके चले गए, ये फिर गिर गया था हमें यहाँ लाइट हमारी, सॉरी बल्ब हमारे, मीटर हमारी, मीटर के वो दे रहे हैं हम क्या रीडिंग, सब कुछ हम दे रहे हैं फिर भी लाइट नहीं आ रही, आप क्या करें, हम इसमें हमारी गलती है क्या? सही बोल रहा था मोदी सरकार की, क्या बोलते हैं भयंकर, एक काम नहीं आया हमारे गाँव में अभी आज तक, पहले पता नहीं कब आ गया था, उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर लूटपाट हो गई, पता नहीं क्या क्या कर दिया उसमें, अभी गांव वाले कैसे अपना घर चलाएंगे, काम नहीं आ रहा है। ये देखो लोग अपने घर अंधेरे में जा रहे हैं, देखो देखो इनके लिए भी उजाला करना पड़ा मेरे को, और ये देखो इस काम के बाद हमारे गाँव में कोई काम ही नहीं आया, अगर आए तो बताओ करो मेरे पे केस, डरते नहीं है भाई अब, कब तक डरेंगे यार, लाइट नहीं आ रही, गाँव में काम नहीं आ रहा, ये पानी पानी एक महीने से हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा, उसके लिए सरकार कुछ कर नहीं रही, हमारे गाँव वालों ने कितने मांगे कर दिए, कुछ आ नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा, अपने अपने पैसे से नल लगा रखे हैं वहाँ गाँव वालों ने इकट्ठा करके, तब भी पानी नहीं आ रहा, पानी कितनी समस्या है, पानी बहुत है हमारे गाँव में मगर घर तक नहीं आ रहा, जल ही जीवन है, घंटा जल ही जीवन है, जल मिल ही नहीं रहा यहाँ। नाइट ब्लॉगिंग मेरे को दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए बना रहा हूँ मैं नाइट ब्लॉगिंग, और आपने आज तक नाइट ब्लॉगिंग देखी भी नहीं होगी, लाइट नहीं है अब कैसे बनाएंगे खाना, मेरे को तो अपनी दादी की टेंशन हो रखी है, दादी अगर पैसा भागे तो वहाँ से गिरेगी तो क्या हालत होगी दादी की, देखो एक साल बाद मरना होगा, एक दिन पहले मर जाएगी यहाँ, तब क्या होगा, यहाँ देखो वैसे हमारा घर कैसा है, देखो ये देखो, ये देखो मेरा घर, और यहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखो ये, अगर माना बात पैर यहाँ से दादी का कुत्ते में चले गया तो दादी के इधर क्या हाल होगा, आप बताओ, बता सकते हैं दोस्तों, आप सपोर्ट करो हमको, ये देखो अंधेरे में खा रही दादी रोटी, कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी दादी, ये देखो हाँ भाई, ये देखो ये भी चार नहीं है दादी, कैसा हो रहा है, बड़े थे तुम्हें, देखो दादी रोटी खा जा रही है आपको, मिनी खाने यार, अरे मेरे ख्याल अभी दादी दे रही है तो खाना ही पड़ेगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर ये कहानी अगर मेलचोरी गैरसैन चौखटिया कहीं भी होती ना तो अब तक वहाँ 10 रिपोर्टें लिखी जानी थी, यहाँ लाइट नहीं है, क्या कारण है भाई, क्यों नहीं आ रही लाइट, क्या कर रहे हैं गांव का प्रधान, क्या कर रहे हैं भयंकर, लाइट आ रहे कहाँ गए, कहाँ मर गए, और हमारे यहाँ हो रहा ना तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा सिर्फ मेरे अलावा, अगर मेरे सपोर्ट अगर 2-4 बंदे और देते ना तो भयंकर हो जाते हैं अभी हमारा खड़ा, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और हमारे गाँव के प्रधान तक पहुँचाएँ। तो जय हिंद दोस्तों, अभी मैंने प्रधान साहब को फ़ोन किया कि भाई लाइट क्यों नहीं आ रही, ये सो तभी वहाँ काम चल रहा है, अब देखो लाइट आ गई ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो वाले घर में भी देखो, और अभी 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 आपको आगे भी दिखाते हैं, ये देखो लाइट आ चुकी है, यह लाइट आ चुकी है, आप कम मत समझना मेरे को, रोनी भाई की पावर है, अब देखो अभी यहाँ लाइट आई जलाएंगे हम पूरी पूरी व्यवस्था के साथ, ठीक है, ये रहा तेरे भाई का कमरा, आपके भाई का कमरा, ये देखो ठीक है, और ये आपका भाई का दूसरा का कमरा, अरे यहाँ भयंकर लाइन टूट रखी है, इस पर भी काम चल रहा है, इसको भी प्रधान साहब जल्द से जल्द ठीक कराए, आपके भाई ने यहाँ भी कर दिया उजाला, ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ भी जला दी लाइट, दादी आप कैसा लग रहा है, बढ़िया 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 लग रहा है ना, आपके नाती ना कर दिया इधर भयंकर बमंडर, और इधर देखो ये वाला रूम भी हमारा, यहाँ लाइट नहीं है, ये देखो ठीक है, पूरा घर में उजाला करते हैं हम, और ये हमारे कुत्ते हैं, फुल सपोर्ट, ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों बहुत हो गया आज का प्रोग्राम, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय अग्निवीर।